प्रदेश के वन्य जीव जंतु मंत्री दारा सिंह चौहान ने शुक्रवार को शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र चिड़ियाघर का निरीक्षण किया। इस दौरान वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने चिड़ियाघर में आए हुए हिरण तथा पाड़ा के बाड़े में जाकर बारीकी से निरीक्षण किया, जिसके संबंध में मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सबसे खूबसूरत तथा मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट चिड़ियाघर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर में जानवरों का आगमन शुरू हो गया तथा शनिवार को भी कुछ जानवरों का आगमन होगा। यह जानवर लखनऊ, कानपुर और एटा चिड़ियाघर से लाए जाएंगे तथा उन्होंने बताया कि 3 जोड़े जिराफ को इजराइल से लाया जाएगा, जो कि 1 जोड़ा गोरखपुर चिड़ियाघर में तथा दूसरा लखनऊ, तीसरा कानपुर चिड़ियाघर में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर में घूमने वालों के लिए मिनी बस तथा उनके खान पान के लिए रेस्टोरेंट की भी सुविधा की जाएगी, जो कि टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ही अच्छा साबित होगा। उन्होंने कहा कि जो कोई भी गोरखपुर आएगा तो वह चिड़ियाघर व नौकायान घूमे बिना वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री से तारीख फाइनल करके मार्च में उद्घाटन करवाकर चिड़ियाघर को जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। इस अवसर पर नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, DFO अविनाश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा, हेलो, इधर कैसे कैसे धीमे धीमे नहीं, आप लोग के साथ नहीं रहना है। इसको रुकवा सकते नहीं देखा ना, सही है। आइए, क्या क्या हुआ है? नहीं कर, थोड़ा स्ट्रेस में ऐसे घूम जाए। ये भी विरोध बन वाला है। हां, एक बार नाम काम करें, इनका नाम करवा, अभी नाम कर इसके बस 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 नहीं, ये मौसम के हिसाब से ना, चाहिए मौसम में जो जाड़े का मौसम का जो होता है वो खुद कम हो जाता है, सुस्त दिखाई दे रही, सुस्त जैसे अकेले हो रहे हैं। ये देखना पड़ेगा कि इसे वाचिंग टावर वगैरह कुछ उसको पैसा देना होगा जी सर, किरना जाइए वाला जो था सर, इसी में कह रहा था कि लगाने के लिए। बिल्कुल सर, पर्चिंग के लिए लग जाएगा।
ये कहाँ के पक्षी होंगे? ये है रेजिडेंट, लोकल रेजिडेंट, ये तो रेजिडेंट कॉर्मोरेंट, उसमें वो आइलैंड टाइप ये पक्षी के लिए बढ़िया है, इसे सूखे पेड़ रख देते हैं लोग, फोटोग्राफी भी ले सकते हैं। एक तो इको टूरिज्म का एक सेंटर था गोरखपुर था, आपको इतना देखिए उसमें जो सीजेडे की गाइडलाइंस है, जो भी हम जानवर यहाँ ला रहे हैं बिना सीजेडे के परमिशन के एक भी जानवर यहाँ पर ला नहीं पा रहे। फाइनल कैंप के बारे में तो मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत, उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिक चिड़ियाघर यहां पे बनने जा रहा है, बन रहा है और लगभग समाप्ति भी होने वाला है। और आज आप लोगों ने देखा जिस तरीके से हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सक्रियता के नाते जल्दी से जल्दी जानवरों का आना यहाँ प्रारंभ हो गया है, और आज आपने भी देखा होगा जिस तरीके से यहाँ पे चीतल और पाड़ा जो यहाँ रखे गए हैं, इसकी आहट कि अब जल्दी ही हमारा ये चिड़ियाघर खुलने वाला है। क्योंकि पूरे केवल गोरखपुर के नहीं पूरे पूर्वांचल की जिज्ञासा है कि गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का सबसे आधुनिक जो चिड़ियाघर कब देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से हमने घूम के देखा है, बाड़े भी बहुत आधुनिक और बहुत खूबसूरत बने हैं, जानवरों का आना जाना शुरू हो गया है और कल से शुरू हुआ है और ये 4 मार्च तक लगातार, कल भी कुछ टाइगर आएंगे, कुछ लेपर्ड आएंगे, परसों कुछ आएंगे, इस तरीके से 3 मार्च तक लगातार जानवरों का उसमें Schedule 1 है, Schedule 2 के जानवर हैं। और आपको भी पता है कि क्योंकि यही है फरवरी मार्च का जो मौसम है, इस जानवर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे उपयुक्त होता है, और इसके लिए हमें जो सेंट्रल जो अथॉरिटी है CJDA से परमिशन लेने के बाद ही मिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि जानवर को हम नवंबर में लाएँ या मई में लाएँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसीलिए अब जानवरों का आना जाना शुरू हो गया है। मुझे लगता है डेट वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो कल से यहां पर तेंदुआ, बाघ, सही, टटेल, ये सारे जो जानवर हैं ये कल से आना शुरू हो जाएंगे, कल यहां आ जाएंगे, कल से परसों तक आ जाएंगे, और ये सारे लखनऊ प्राणी उद्यान से आ रहे हैं। लखनऊ प्राणी उद्यान से फिर 15 तारीख को काला हिरन, जंगली बिल्ली, बारासिंगा, पाड़ा, जयकाल, काकर, अजगर, घड़ियाल, ये सब, ये 15 तारीख को तो बारासिंगा, जंगली बिल्ली ये सब आएंगे, सियार, काकर, अजगर, घड़ियाल ये 17 को यहाँ आ जाएंगे। फिर कानपुर जू से दरियाई घोड़ा, रोहिसस बंदर, मगर, लंगूर, हिमालयी काला भालू ये आएंगे कानपुर से करीब 19 तारीख को। 27 तारीख को इटावा लाइन सफारी से बब्बर शेर 3 यहाँ पे आएंगे, और जो चर्चा हुई है कि अच्छे जो बब्बर शेर हैं, जो जवान हैं अच्छे, उस तरह के, चूँकि लाइन सफारी इटावा में भी हमारे पास मुझे लगता है 18 से ज़्यादा लाइन हमारे वहाँ पे हैं वहाँ पे। इसके बाद 27 से लेकर 28 के बीच में वहाँ पे लोमड़ी है, बोनेट बंदर और सांबर ये दिल्ली प्राणी उद्यान से आ रहे हैं, और दरियाई घोड़ा एक और जो है हम कानपुर प्राणी उद्यान से ला रहे हैं, बाकी विनोद वन से यहाँ पे तो चीतल वगैरह आ ही गए हैं। इसके अलावा जो है चूँकि Phase 1 में है, चूँकि 217 जानवरों का जो हमने बनाया था उसमें सैद्धांतिक सहमति 180 के करीब हमको मिल गई है, और सेकंड फेज में भी हम जो है
जैसे राइनो है, गैंडा है, जो हम इसको ला रहे हैं काजीरंगा आसाम से, और यहाँ पर हम जेब्रा जो बियर है भालू, इसको हम रांची से ला रहे हैं, बिरसा मुंडा जो चिड़ियाघर है, बाकी कुछ विदेश के भी इजराइल से हम मंगा रहे हैं जेब्रा, जिसमें तीन पेयर उसमें रहेंगे, एक पेयर गोरखपुर जू में रहेगा, एक लखनऊ, एक कानपुर में रहेगा। तो इस तरीके से जितना बढ़िया हो सकता है, और मुझे लगता है जो आपकी सबसे ज़्यादा जिज्ञासा पूछेंगे भी कि चिड़ियाघर का कब उद्घाटन होने वाला है, तो आपने देखा कि आप आज देखने के बाद जो जानवरों का आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि बहुत जल्दी ही जो बहुप्रतीक्षित ये पूर्वांचल का माननीय मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस प्रदेश का आधुनिक चिड़ियाघर इस मार्च महीने में खुल जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि आपको भी पता है कि जानवर को आने के बाद इसमें शेड्यूल वन, शेड्यूल टू के और भी जानवर है जिनको क्वारंटाइन रखना है, इसीलिए आपने देखा होगा वहाँ जाते हुए बहुत लोगों को रोक दिया गया, नहीं जा सकते थे। तो क्वारंटाइन को समय को पूरा करते हुए, उसको देखते हुए, मैं यहाँ से जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद उनकी सुविधा के अनुसार मार्च में जो अच्छी डेट होगी उसी डेट को फिक्स करके भव्य उद्घाटन का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि हम सबके लिए जो है ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस प्रदेश के लिए है कि ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा टूरिज्म, इको टूरिज्म का हब मैं कई बार कहा कि बनने जा रहा है। जिस तरीके से कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ये बौद्ध सर्किट भी है, और जो लोग लुम्बिनी और कुशीनगर जाएंगे, जो विदेशी हमारे पर्यटक आएंगे, जिस खूबसूरत तरीके से, जिस तरीके से मैकेनाइज आधुनिक चिड़ियाघर, और जिस तरीके से हमारा जो लेक यहाँ पे झील है रामगढ़ ताल का, इतना आकर्षक और खूबसूरत, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने काफ़ी व्यक्तिगत रुचि लेकर के वहाँ पर, जिस आपने देखा कि जहाज भी उतारने की योजना माननीय मुख्यमंत्री की है, जिस तरीके से वाटर स्पोर्ट्स के लिए तमाम इसमें पैडल बोट और स्पीड बोट नौकायन करने की व्यवस्था है, इतना आकर्षक होगा कि जो लोग जाएंगे बौद्ध सर्किट से, बौद्धिस्ट जो बाहर से आने वाले लोग हैं, ये बिना चिड़ियाघर में गए, बिना रामगढ़ ताल को देखे वो आगे नहीं जाएंगे। ये योजना माननीय मुख्यमंत्री की है, और उसके साथ साथ इसमें जिस टॉय ट्रेन की बात आप कर रहे हैं, हमने भी चर्चा किया है, इसके लिए पूरी तैयारी है, और मेरी पूरी कोशिश है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन उद्घाटन करें इस जू का, उसी दिन हरी झंडी दिखा करके टॉय ट्रेन का भी वो करें। इसके साथ साथ टॉय ट्रेन के साथ साथ हमने प्रयास किया है, उसकी फोटो भी मैं आपको, सफारी बस की, वो कौन सी जगह थी हम गुजरात में, केवड़िया, पहले ये जो है इस तरीके की कि जैसे मान लीजिए परिवार के लोग हैं, अब जैसे हम लोग वहाँ से टहल के आए हैं, टॉय ट्रेन के साथ साथ सफारी बस, अगर हम लोग सफारी बस, अगर चाहे परिवार के लोग, बुजुर्ग लोग हैं कि हम पांच लोग, छह लोग एक बस से अलग से जाएंगे, वो लोग भी जाकर के वहाँ पर इससे उसका यात्रा का आनंद ले सकते हैं जू का। यहाँ पे कैंटीन को भी सुविधा है, शुरू की जाएगी जल्दी ही।